नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बांदा 30 जनवरी जिलाधिकारी मीटिंग। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कौर जिले के समस्त अधिकारियों ने बैठक कर सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बैठक की और सभी मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी भी दी। बांदा संवाददाता वर्षा कौशल की रिपोर्ट। करोड़ है सर, हमें ऐसा लगता है योजनाएं पूर्ण हो गई हैं सर। हर महीने इसमें दो तीन परियोजनाएं पूर्ण होती रहती हैं सर। ये कोई यहाँ जमीदार करते रहे जी सर, जो बाहर की संस्थाएं काम लेके आ जाती हैं और फिर उनके भगने वाले हैं, मथुरा छोड़ के गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनके खिलाफ वसूली के आदेश कर ये कार्यकर्ता। हाँ वही सही तो मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए जो बैंक मैनेजर ठीक से काम नहीं करता है, शायद जो लाभार्थी है उनको मिसगाइड करके अपना रुचिका करना चाहते हैं। सर कृषि को लेकर के किन किन विषय में आज बात की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने बुलवाई थी? देखिए कृषि के बारे में पूरे जनपद के सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी हुई और जिला योजना की बैठक भी हुई। हर विभाग में कितना बजट को प्रस्तावित किया गया है और सरकार से उसकी प्रस्तावित बजट की मांग की गई है, तो उसका आज अनुमोदन माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण और सभी अधिकारीगण के सामने 4,04,36,00,000 का बजट के प्रस्तावित किया गया है और उसको प्रस्तावित करके सभी विभागों में जिस आधार पर जिनका प्रस्ताव आया है उसको आवंटित किया है। सर किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, उनको जो है लाभ नहीं मिल पाता है, जो भी सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं किसानों के लिए तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है, इसके लिए क्या कहें सर? देखिए समस्त कृषि विभाग इस बात पर लगा हुआ है कि जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं वो धरातल तक पहुँचाई जाएँ। इस बाबत किसान को जागरूक करने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसान को जागरूक किया जा रहा है और अधिकारी गण को वहाँ पर समस्त किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत उनको बुला के निर्देशित भी किया जा रहा है कि प्रत्येक योजना का लाभ किसान तक पहुँचे। किसान सम्मान निधि का डीबीटी के माध्यम से जा रहा है, ये जो हमारी कई कृषि विभाग की योजनाएं हैं उनका सारा डीबीटी के माध्यम से जा रहा है, बीज की सब्सिडी जा रही है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जा रही है, कृषि यंत्र का वितरण हो रहा है और तकनीकी आधार पर किसानों को खेती करने का प्रशिक्षण भी किसान पाठशाला किसान कल्याण मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि प्रत्येक उपलब्धि का लाभ उन तक पहुँचे और किसान की आय दुगनी हो, इस परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रशिक्षण देके वो उन पर क्रियान्वित करने का भी काम किया जा रहा है। कितने खातों में अभी तक भेजी गई है, कितने किसान शेष है? देखिए और जिनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 6 किस्तों का पैसा पहुंच गया है और 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि एक साथ वितरित की। मंत्री जी शायद आपको मालूम चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं कि माननीय डिप्टी डीएम साहब ने क्या क्या चीजें रहती है, उन्होंने 10 परियोजनाओं की घोषणा। मैं रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, रिंगर रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिंगर रोड की बात हम देख रहे हैं कि पिछले